सोनू सूद को लेकर बड़ी खबर आ रही है सामने। सोनू के फैंस के लिए है बड़ी खुशखबरी, क्योंकि सोनू सूद ने किया है देश का नाम रोशन। थाईलैंड में मिली है उन्हें बड़ी उपलब्धि। क्या है पूरी खबर, चलिए गाइस आपको बता देते हैं। कोरोना के बाद सोनू सूद गरीबों के मसीहा माने जाते हैं, पर इस बार जो हुआ है उससे वो खुद भी बेहद खुश नजर आ रहे हैं। सोनू सूद ने जैसे ही अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट शेयर किया, उनके फैंस उन्हें बधाई देने लगे हैं। दरअसल अब सोनू सूद जो है वो थाईलैंड टूरिज्म के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। बता दें आपको, थाईलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म द्वारा उन्हें हॉनरी टूरिज्म एडवाइजर के रूप में नियुक्त किया गया है। और अब ऐसे में सोनू सूद ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। सोनू सूद ने इंस्टाग्राम पर पोस्ट करते हुए लिखा, थाईलैंड के पर्यटन के लिए ब्रांड एम्बेसडर और सलाहकार के रूप में नियुक्त होने पर सम्मानित और विनम्रित महसूस कर रहा हूँ। मेरी पहली इंटरनेशनल यात्रा मेरे परिवार के साथ इस खूबसूरत देश में थी और अपनी नई भूमिका में मैं देश के आश्चर्यजनक और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सलाह देने और बढ़ावा देने के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ। बता दें आपको कि सोनू सूद को थाईलैंड के टूरिज्म का ब्रांड एम्बेसडर बनाने के बाद उन्हें एक सर्टिफिकेट भी मिला है। अब थाईलैंड सरकार ने उन्हें एक नई जिम्मेदारी सौंप दी है, जिसके तहत वो भारत से थाईलैंड आने वाले टूरिस्ट के लिए एक पुल का काम करेंगे। थाईलैंड के मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म की ये पहल भारतीय टूरिज्म को आकर्षित करने के लिए है और वो जानते हैं कि सोनू सूद की जनता के दिल में एक खास छवि है जो इस काम में काफी ज्यादा मददगार साबित हो सकती है। अब ऐसे में सोनू सूद के जो फैंस हैं वो इस खबर से काफी ज्यादा खुश है और सोनू को लगातार दे रहे हैं बधाइयां। ऐसे में हमारे भी तरफ से सोनू को इस नई अचीवमेंट के लिए ढेर सारी बेस्ट विशेस। इस वीडियो में इतना ही।